स्टूडेंट्स, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डेरिवेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सपोज दिस इज द अर्थ ऑफ मास एम। ठीक है, एंड देयर इज अ बॉल और एनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर हियर, और वी कैन से इट इज केप्ट ओवर हियर एट अ पर्टिकुलर हाइट h, एट अ पर्टिकुलर हाइट h, हैविंग मास m। m is the mass of the object, small m is mass of object, mass of object, capital m is the mass of earth, mass of earth, ठीक है, and h is the height above the surface of earth, height above the surface of above the surface of earth, ठीक है, और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी r, एंड कैपिटल r इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो हाइट है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज वेरी लेस, तो इस हाइट को हम लोग नेग्लिजेबल सपोज कर लेते हैं, और ऐसा सपोज कर लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस पे रखा हुआ है यहां पे, तो ये पूरा अर्थ है, इसका सेंटर पे हम लोग सपोज कर लेते हैं अर्थ का पूरा मास कहां पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, तो सेंटर से इस मास के सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो गई, आर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर। ठीक है, तो इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्मॉल। ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, सपोज करिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है जब मैं इसको ये पर्टिकुलर हाइट पे है और सरफेस से पर्टिकुलर हाइट पे एच हाइट पे अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो फोर्स अट्रैक्ट होगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम जी, एम इज द मास, ए इज द एक्सेलरेशन, और पर्टिकल के केस में क्या हो जाता है ए को हम लोग जी से रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ये कैपिटल जी कैपिटल है स्मॉल है बाई आर स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया स्मॉल जी इज कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में ये रिलेशन है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस रिलेशन में वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि इस रिलेशन में कहीं पर भी एम मास नहीं आ रहा है, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हैवी बॉल हो या लाइट बॉल हो, जैसे कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा था लीनिंग टावर ऑफ पीसा से, उसने दो बॉल्स ड्रॉप करी थी, एक हैवी बॉल थी एक लाइट बॉल थी, दोनों को ड्रॉप करा एक साथ, तो उसने पाया कि दोनों बॉल एक ही टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही, जबकि ऐसा लगता हम लोगों को कि हैवी बॉल पहले स्ट्राइक करेगी और लाइट बॉल बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों बॉल ने एक साथ स्ट्राइक करा अर्थ पे, वो इसीलिए क्योंकि उन पे जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था वो मास पे डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, बट हमें देखेंगे कि जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ द अर्थ पे, यानी जी की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि जी की वैल्यू शेप ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करती है, वो कैसे डिपेंड करती है इसको हम लोग आगे देखेंगे।
नाउ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, जी की वैल्यू कैसे वैरी करती है, कैसे अर्थ के शेप पे डिपेंड करती है। एक्चुअली में जो अर्थ होता है ये कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। इसका शेप क्या होता है, सम व्हाट इट इज फ्लैटेड एट द पोल्स एंड देयर इज द बल्जिंग पोर्शन एट द इक्वेटर। इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर लाइन, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होता है, दिस इज द रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ पोल्स, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। यहां से कुछ ये फ्लैट एंड होता है और यहां से कुछ बल्जिंग पोर्शन होता है, पूरा कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होता, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी, कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आर मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे क्या, पोल्स पे रेडियस कम है और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, तो कैसे होगा, अगर यहाँ पे देखें कैपिटल जी कैपिटल एम बाई रेडियस ऑफ पोल्स, तो क्योंकि पोल्स का रेडियस कम है, पोल्स का रेडियस कम है तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि यहां पे अगर हम पोल्स पे, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, अगर यहाँ पे अगर हम लोग किसी बॉडी का वेट मेजर करते हैं तो वो हमेशा ज्यादा आएगा बिकॉज वेट इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अगर जी जो है ज्यादा है तो डब्ल्यू वेट भी ज्यादा होगा, मास तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। इसी तरीके से इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर पे अगर रेडियस ज्यादा है तो इसकी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इक्वेटर पे मेजर करेंगे तो उसका वेट हमेशा कम आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो वेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जी की वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।